हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th, चैप्टर 6th है हमारा ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। इसके अंदर हमें दी गई हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। आपने ट्रायंगल्स के टाइप, एंगल्स के बेस पे, साइड के बेस पे, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, क्या है इंट्रोडक्शन में, एक है हमारे पास कॉन्ग्रेंट फिगर। कॉन्ग्रेंट हमने पढ़ा था 9th क्लास में। अब आ गए हमारे पास कॉन्ग्रेंट फिगर, वहाँ हमने पढ़ा था कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। फिगर भी कॉन्ग्रेंट होती हैं। कैसे कॉन्ग्रेंट होती हैं, टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ़ दे हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज। दो फिगर्स हैं उनको हम कॉन्ग्रेंट कब बोलेंगे, जब उन दोनों की शेप भी एक जैसी है और दोनों का साइज भी एक जैसा है। मीन्स या तो दोनों के दोनों क्या हैं, सेम रेडियस के सर्कल हैं, या फिर दोनों के दोनों सेम रेडियस, सेम लेंथ और ब्रेथ के रेक्टेंगल हैं या पैरेलोग्राम है, कुछ भी हैं, बट दोनों का क्या होना चाहिए, सेम रेडियस होगी। सर्कल है तो सेम रेडियस के होंगे, तो क्या बोल देंगे उनको हम, कॉन्ग्रेंट फिगर। और रेक्टेंगल्स है तो लेंथ और ब्रेथ अगर दोनों की इक्वल है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो कॉन्ग्रेंट फिगर में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। सिमिलर क्या होता है कि दोनों की, जो भी हमारे पास दो फिगर दी हुई हैं, दोनों की शेप हमारे पास सेम होगी। टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप, एक जैसी शेप की दो फिगर्स होंगे, उनको हम क्या बोल देंगे कि सिमिलर फिगर। ठीक है, अब कॉन्ग्रेंट में तो क्या था, साइज भी सेम होना जरूरी है और दोनों का साइज भी सेम होगा और शेप भी सेम होगी। बट जब हमारे पास सिमिलर फिगर पढ़ते हैं तो क्या बोलेंगे, ओनली सेम शेप, कि दोनों की शेप एक जैसी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है सर्कल है दो हमारे पास, एक हमारे पास 1 रेडियस का, एक 2 रेडियस का है, तो दोनों हमारे पास क्या होंगे, सिमिलर फिगर होंगे। क्योंकि रेडियस भले इक्वल नहीं है लेकिन शेप तो दोनों की एक जैसी है, तो दोनों सर्कल, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे उसको, सेम सिमिलर फिगर, सेम शेप है। ऑल लाइन्स विद द सेम लेंथ, जितने भी लाइन है हमारे पास, चाहे वो हमने कैसे भी लाइन ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है कोई भी हमने, अगर सेम लेंथ है, अगर दोनों लाइन्स की हमारे पास लेंथ सेम है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, कॉन्ग्रेंट लाइन्स। एंड ऑल सर्कल्स विद द सेम रेडियस, जितने भी सर्कल हैं सभी की रेडियस, सेम रेडियस के जितने भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो कहीं भी ड्रॉ कर रखा है हमने, कैसे भी ड्रॉ कर रखा है, लेकिन रेडियस दोनों की क्या है, सेम, तो भी क्या होगा, कॉन्ग्रेंट। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी साइड से सभी साइड से इक्वल होते हैं, विद द सेम साइड, और उनकी जो साइड है उसकी लेंथ होगी इक्वल। मान लिया ये भी हम एक हमने दो ट्रायंगल ड्रॉ की, ये भी 6 की होनी चाहिए, ये भी 6 6 की होनी, तो क्या बोल देंगे इसको हमें, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। एंड ऑल स्केयर विद द सेम साइड, और जितने भी स्केयर हैं सभी सेम साइड से लेंथ आर कॉन्ग्रेंट, कि उसकी जो साइड्स है उसकी लेंथ सेम होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कॉन्ग्रेंट। फिर है सिमिलर पॉलीगन। सिमिलर पॉलीगन में क्या आएगा हमारे पास, इसके अंदर आपको कंडीशन दे रखी है कि कोई भी दो हमारे पास पॉलीगन्स हैं वो सिमिलर होंगी। कब होंगी, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। टू पॉलीगन्स, दो पॉलीगन्स सेम नंबर ऑफ साइड्स, देखो हमारे पास अगर 3 साइड्स की पॉलीगन है तो वो 3 के ही सिमिलर होगी, 4 की 4 के साथ, 5 की 5 के साथ सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास सेम होगी, तभी हम उसको सिमिलर बोल सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि एक हमारे पास ट्रायंगल है और एक हमारे पास पैरेलोग्राम है, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं बट पैरेलोग्राम में 4 साइड्स होते हैं, तो उनको हम सिमिलर नहीं बोल सकते। हम ओनली उसको बोलेंगे जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। कब सिमिलर होगी, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी क्या होनी चाहिए, सेम रेशियो में होनी चाहिए। कैसे होना चाहिए, देखो मान लीजिए ये हमारे पास ट्रायंगल है, एक ये है ट्रायंगल, यहाँ पे हमारे पास 60 40 80, तो ये भी कितना होना चाहिए, 60 40
80, ठीक है। फिर एंगल तो हो गया हमारे पास इक्वल, ए बी सी पी क्यू आर। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हैं। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी सेम रेशियो में होगी। मान लिया मैंने इसको लिखा, ये है हमारे पास 3, ये 2 है और ये है हमारे पास 4। तो मान लिए ये इधर वाली है जो, ये मैंने ले रखी है ये, तो इसको हम सिमिलर बोल सकते हैं। कैसे, देखो इसका 3 टाइम्स करो, ए बी का 3 टाइम्स, 3 जा 9, बी सी का 3 टाइम्स 6 हो जाएगा और ए सी का 3 टाइम्स 12 हो जाएगा। ये जो साइड्स हैं हर एक की 3 टाइम्स कर देंगे, ए बी का 3 टाइम्स पी क्यू के इक्वल होगा, बी सी का 3 टाइम्स क्यू आर के इक्वल होगा और ए सी का 3 टाइम्स पी आर के इक्वल होगा। बट अगर मैं यहाँ पे 10 कर देती हूँ तो हमारे पास ये इसके 3 टाइम्स के इक्वल नहीं है, ये दो तो हमारे पास 3 टाइम्स के इक्वल बट ये नहीं है, तो क्या बोल देंगे, नॉट ए सिमिलर। क्यों, क्योंकि इसके जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में नहीं है। ये तो दो तो हमारे पास सेम रेशियो बट थर्ड सेम रेशियो में नहीं है, ये 4 है, ये इससे 6 ज़्यादा है 10, इसका 3 टाइम्स तो नहीं है ना, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे, नॉट सिमिलर। बट जब ये हमारे पास 12 है तो इसके 3 टाइम्स के इक्वल है, तो क्या हो जाएगी, सिमिलर। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स इज ऑलवेज द सेम। इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर क्या होता है कि जिसके एंगल्स इक्वल हैं, इज ऑलवेज द सेम। द रेशियो ऑफ एनी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है इन द टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। तो इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर क्या होता है कि जिसके एंगल इक्वल हैं, 60 60 60, ये भी तीनों 60 60 के हैं और इनकी जो ये रेशियो है ये हमारे पास किसी ना किसी रेशियो में है, तो भी क्या होगी कि दोनों की दोनों क्या होंगी, इक्वी एंगुलर इज ऑलवेज सेम, तो दोनों क्या होंगी, वो शेप सेम होंगी। अब इसी पे बेसिक है हमारे पास एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल सर्कल्स आर, मैंने बताया था कि जितने भी सर्कल्स हैं, रेडियस बेशक इक्वल नहीं है बट सर्कल्स है तो वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ऑल स्क्वायर्स आर, भले ही उनकी लेंथ कुछ भी हो, साइड्स की लेंथ है, बट अगर शेप दोनों की स्क्वायर की है तो भी क्या होगा, सिमिलर। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कोई ऐसी कौन से ट्रायंगल्स है जो सिमिलर होंगी। अब देखो अगर हमारे पास आइसोसेल्स ट्रायंगल आता है तो वो तो पॉसिबल नहीं, वो किसी कंडीशन में पॉसिबल है, सभी कंडीशंस में तो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास मान लिया इसके अंदर ये दो साइड इक्वल दे रखी हैं, दूसरी आइसोसेल्स ट्रायंगल दे दी उसमें ये दो साइड इक्वल दे दी, तो हम इक्वल तो नहीं बोल सकते, इसको सिमिलर तो नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई भी दो साइड हो सकती हैं इक्वल, तो हम क्या बोलेंगे, ऑल इक्विलेटरल। बट जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसमें ये भी सभी साइड है, ये भी सभी साइड इक्वल होती है, तो प्रोपोर्शनल होंगी या फिर सेम होंगी, तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ए सिमिलर। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ये अभी हमने इंट्रोडक्शन में भी स्टेटमेंट पढ़ी थी कि दो पॉलीगन्स हैं वो सेम नंबर ऑफ साइड्स की हैं, वो सिमिलर होंगी कब, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ए इक्वल, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर ए प्रोपोर्शनल, और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, तो हम क्या बोल देंगे कि वो जो पॉलीगन्स हैं वो क्या होंगी, सिमिलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर के हमें कोई भी दो पेयर बनाने हैं। अब देखो सिमिलर फिगर बनाने हैं, सिमिलर मीन्स हमारे पास क्या होना चाहिए, दो कंडीशंस है, हमारे पास एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अब देखो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेंगे हम, तो टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स विद साइड्स 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, एक 1 सेंटीमीटर की ले ली, एक 2 सेंटीमीटर की। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी इस जो एंगल्स हैं वो कितने कितने के होंगे, 60 60 के होंगे, तो एंगल तो सभी इक्वल हो गए। अब ये 1 सेंटीमीटर, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, अब इसी के प्रोपोर्शनल हो गया ना, कि ये 1 है, इसका 2 टाइम्स कर रखा है हरेक का, तो वो क्या आ गई, 2, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों सिमिलर फिगर। नेक्स्ट में दो स्केयर ले लिए हमने, टू स्केयर्स विद साइड 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर की, हमारे पास कोई भी दो स्केयर ले लिए 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के,
या फिर वन और टू के ले लेंगे कि 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर के कोई भी दो स्केयर ले लिए हमने, ये 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर दिया, ये 2 सेंटीमीटर का, इसके हर एक जो साइड्स है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, इसका 2 टाइम्स ये, इसका 2 टाइम्स ये, इसका 2 टाइम्स ये और इसका ये, और एंगल कितने कितने डिग्री के बनते हैं स्केयर पे, चाहे वो किसी भी लेंथ का हो, हमारे पास स्केयर हर एक में 90-90 डिग्री का एंगल बनेगा। सेकेंड पार्ट है इसका नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर मीन्स ऐसी फिगर ड्रॉ करके दिखानी है जो सिमिलर नहीं है। अब सिमिलर नहीं है, इट मीन्स नॉन सिमिलर। नॉन सिमिलर के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग ड्रॉ करके दिखा देंगे। एक में हमने क्या कर दिया, ट्रेपीजियम ड्रॉ कर दिया, एक में हमने क्या ड्रॉ कर दिया, स्केयर ड्रॉ कर दिया। अब देखो ट्रेपीजियम और स्केयर तो इक्वल नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल है सभी में, बट यहाँ तो एक भी एंगल नहीं है 90 का। अगर एंगल इक्वल नहीं है तो फर्स्ट कंडीशन ही इक्वल नहीं है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है इक्वल नहीं है, तो क्या बोल देंगे, नॉन सिमिलर। इसी तरह ट्रायंगल और पैरेललोग्राम बना दिया हमने, एक ट्रायंगल बना दिया, एक पैरेललोग्राम बना दिया। ट्रायंगल में 3 साइड्स है, पैरेललोग्राम में 4 साइड्स है, ये भी इक्वल नहीं हो सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। आपको 2 क्वाड्रिलेटरल दी गई हैं, ये सिमिलर हैं या नहीं। अब देखो साइड्स प्रोपोर्शनल है, ये 1.5 है, ये 3, ये 1.5, ये 3, ये 1.5, ये 3, ये 1.5, ये 3, सभी में सेम रेशियो में है कि इसका 2 टाइम्स कर दिया, 1.5 का 2 टाइम्स हमने कर दिया तो क्या आया 3, इधर भी 2 टाइम्स है। बट यहाँ पे जब भी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, आपको देखने से ही शेप में पता चल रहा है क्या यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है। बट यहाँ पे जो स्केयर है, स्केयर में तो हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, ये तो 90 का है, ये 90 का नहीं है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नॉट इक्वल। क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एंड ए बी सी डी आर नॉट सिमिलर एज देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो तो प्रोपोर्शनल है 1:2 में, बट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, लेकिन इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं है, तो इसलिए जो दोनों फिगर्स हैं ये सिमिलर नहीं है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.1। ओके, थैंक यू।